हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। क्या है ये प्रेस नोट, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप HPS की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और इसके लिए क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप करिए। सभी कोर्सेस आपको अंडर अवर प्रोफेशनल्स करवाए जाते हैं। व्हाट्सएप करके आप नोट्स, MCQ टेस्ट भी अलग से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, 5 सितंबर 2020 का ये प्रेस नोट है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कंपिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 13/9/2020 that due to some administrative reasons the HPS public service commission has established some new examination center at Shimla and Hamirpur as listed below। दोस्तों, जैसे कि आपको क्लियर है कि आपका HPS का एग्ज़ाम, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और हर कोई इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, जो आपका एग्ज़ाम 13/9/2020 को होगा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कुछ बताया गया है कि आपके कुछ सेंटर्स चेंज किए गए हैं। उसकी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है शिमला और हमीरपुर की। तो लिस्ट क्या है यहाँ पर आप देखिए, नेम ऑफ ओल्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स, यानी कि जो आपके ओल्ड एग्जामिनेशन सेंटर थे वो अब चेंज हो चुके हैं, ये याद रख लेना। यहाँ पर कौन से न्यू एग्जामिनेशन सेंटर्स जो वह बनाए गए हैं, जैसे कि शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन शीतल कुंज कमला नगर संजौली, ये एक सेंटर था, वो अब चेंज करके यहाँ पर इसकी जगह रखा गया है, यानी कि न्यू एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रखा गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय लॉन्गवुड शिमला पिन कोड यहाँ पर डाला गया है सेंटर 2, एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटशेरा शिमला, तो यहाँ पर ये सेंटर अब इसकी जगह होगा। सेकंड, आप इसी तरह से देख सकते हैं, ये आपका ओल्ड एग्जामिनेशन सेंटर होगा, यानी कि अब ये नहीं होगा, अब इसकी जगह ये होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद भी रख लेना, नोट डाउन भी कर लेना, और आपको आ भी जाएगा आपकी ईमेल आईडी वगैरह में। अगर नहीं भी आएगा तब भी ये रख लेना, क्योंकि अगर आपके प्रिंटआउट में इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है, ओल्ड एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है, तब आप वहाँ पे मत जाना, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। यानी कि अगर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली शिमला में होगा, तो अब यहाँ पर आपका पेपर नहीं होगा, बल्कि अब यहाँ पर होगा, ठीक है। मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर हेलीपैड अन्नाडेल शिमला, ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड और न्यू एग्जामिनेशन सेंटर अब आपके चेंज है। हो सकता है कि आपके प्रिंट आउट में ये एग्जामिनेशन सेंटर डाला गया होगा, ठीक है, तब आपने वहाँ पर नहीं चले जाना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आप सही टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपने रिलेटिव्स कलीग्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं शेयर करना, अच्छी खबर ज़रूर शेयर करिए, इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम द हमीरपुर पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 10 रामनगर हमीरपुर में होने वाला था, अब आपका न्यू एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे होगा, गौतम कॉलेज ऑफ फार्मेसी न्यू ब्लॉक वार्ड नंबर 10 नियर बस स्टैंड हमीरपुर में होगा, क्लियर। तो आई होप अब आपको समझ आ चुका है। दोस्तों, अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप किस लिए करना है, MCQs नोट्स टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि हिमाचल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है लेक्चर्स के लिए भी, और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये हिमाचल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और हर किसी का ड्रीम रहता है कि HPS क्लियर हो, क्योंकि प्री भी अगर आप क्लियर करते हैं दोस्तों तो मेंस निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्री इसका निकालना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन प्री अगर आप निकालते हैं तो मेंस बहुत आसानी से निकलता है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।